हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट के बाद अपने ही जन्म स्थान में जाकर बसने मेरा अनमोल सपना था। जहाँ पैदा हुआ, जहाँ गलियों में खेला हुआ बड़ा हुआ, वह जगह कितनी ही यादों को जिंदा रखे हैं। कक्षा 12वीं तक पढ़ने के बाद जो मैं शहर छोड़ा था, बस मुड़ा कर देखा ही नहीं पाया। नौकरी सारा भारत घुमाती रही और घूमता रहा। जितनी दूर मैं अपने शहर से होता गया, उतने सबसे मिलने जाते रहे। सभी आजकल करते रहे प्यार और अपनत्व के मिलते रहे। कितना प्यार है मेरे शहर में, सब कितने प्यार से मिलते हैं। सब सुख दुख में पूछते हैं कैसे हो। सबके होठों पर यही प्रश्न होता है। रिटायरमेंट से साल भर रह गया, बच्चों को ब्याह, उनके अपने अपने स्थानों पर उन्हें भेजकर मैंने गंभीरता से इस विषय में विचार किया। लंबी छुट्टी लेकर अपने शहर में अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़ा समय बिताकर सर्वेक्षण करना चाहा कि रहने के लिए कौन सी जगह उपयुक्त रहेगी। घर बनवाना पड़ेगा या बनवाया ही कहीं खरीद लेंगे। मुझे याद है पिछली बार जब मैं आया था, तब पंचायत चाचा के साथ छोटे भाई के अनबन पस रही थी। सुलह करवा कर अपने कर्तव्य निभा लिया था। छोटी बुआ बड़ी बुआ भी ठंडा सा व्यवहार कर रही थी, मगर मेरे साथ सब ने प्यार से व्यवहार किया था। अच्छा नहीं लगा था तब मुझे चाचा भतीजे मन मुटाव बार भी ऐसा कुछ लगा। पति ने समझाया, जहाँ चार बर्तन होते वहाँ खड़कते ही रहते। मैं हर बार देखता हूँ कि घर जाओ किसी न किसी का तनाव चल रहा होता है। 4 साल पहले ही जयंत चामिया बोला चल रहा था, लेकिन अब तो उनसे मिलने गया तो तुम चाची के लिए साड़ी लाई थी, तब छोटी मुंह बना ली थी। मैंने बताया था कि आपको साफ साफ नहीं, मगर इतना इशारा आपके भाई ने भी किया था कि उसका रिश्तेदार है, चाचा से मिल नहीं सकता। अच्छा, मतलब मेरा अपना व्यवहार, मेरी अपनी बुद्धि, भाई भाड़ में जिसे छोटा पसंद नहीं करेगा उसे मुझे भी छोड़ देगा। और इस बार छोटे का परिवार जयंत चाचा के साथ तो धिक्कार जैसा है, लेकिन बड़ी बुआ के साथ नाराज चल रहा है। वो क्यों, आप खुद को देख सुन लीजिए। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ कहा तो आप कहेंगे कि नमक मिर्चा लगाकर सुना रही हूँ। पत्नी का तुनकाना सही नहीं था। वास्तव में आंखें बंद करके किसी औरत पर बात पर विश्वास नहीं करता, पर चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो, अक्सर औरतें हर ही फसाद की कलेश के बीच रोपती है, ऐसा मेरा मानना है। 10 भाई सालों के साथ साथ रहते, लेकिन 2 औरतें आई थी कि नहीं, सब तिल तिल बिस्तर। मायके में बहनों का आपस में झगड़ना हो जाए तो जल्दी ही भूल कर माफ कर देगी, पर समय पड़ने पर संग संग हो लेंगी। लेकिन ससुराल में भाइयों के अनबन हो जाए तो उसे आंख में सारी उम्र घी डालने का काम करेंगे। अपनी माँ को भी अक्सर बात घुमा फिरा करते देखा। नौकरी के सिलसिले में मैं 100-200 परिवारों की कहानी तो बड़ी नजदीक से देखी सुनी है। मैंने हर समय वही सब अधिकार का रोना, वही औरतों का परिवार को लेकर सदा असुरक्षित रहना, ज्यादा झगड़ा सदा औरतें ही करती है। मेरी पत्नी आरती सब जानती है, इसलिए कोई राय नहीं देती। मेरे यहाँ घर में बना सदा के लिए रहने के लिए वह तैयार नहीं थी, इसलिए चाहती थी लंबा समय यहाँ टिक कर जरा भी जांच पड़ताल तो करूँ कि दूर के ढोल ही सुहावने हैं या वास्तव में यहाँ प्रेम की पवित्र नदी जलधारा बहती है। कभी कभी कोई आया और उसके आपने लाड़ प्यार से कर लिया, उसका मतलब ये तो नहीं कि लाड़ प्यार करना ही उनका चरित्र है। 10-15 मिनट में किसी का मन भला कैसे टटोला जा सकता है। हमारे खानदान में एक ताऊ जी हैं जिनने हमारा सामना सदा इस तरह होता रहा है मानो सिर पर उनकी छत न होती, हम अनाथ ही होते। सारे काम छोड़कर हम उनके चरण स्पर्श करने दौड़ते हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए छोटी मोटी सलाह भी उनकी आती है उम्र दराज के लिए, इसलिए उनका जान पहचान में लाभ भी अक्सर हमें ही मिलता है। राजनीति में भी उनका खास दखल है, जिस वजह से अक्सर परिवार का कोई काम रुक जाता है तो भागे भागे उन्हीं के पास जाते हैं। हम ताऊ जी अब में अच्छा खासा सहारा लगता है। उनका बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो सिर पर एक आसमान जैसी अनुभूति होती है, पर वही आसमान है वो ताऊ जी हमारे खानदान में, वही अब बड़े हैं। उनके नाम हमें बहुत इज्जत बड़े सम्मान लेते हैं। छोटा भाई इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशान लगा। मैं ताऊ जी के लिए साल लाया था, उपहार में आरती से कहा कि अब शाम से तैयार रहे। छोटा भाई मुझे यह देखने लगा मानो उसके कान में गरम शीशा डाल दिया हो। किसी ने शायद इस बार उनमें अनबन हो गई थी, क्योंकि हर बार किसी न किसी से उनका झगड़ा हो ही जाता था। आपका दिमाग तो ठीक है भाई साहब, आप ताऊ के साल लेकर आए हैं, बेहतर है मुझे गोली मारकर मुझ पर इस पर कफन डाल लीजिए, स्तब्ध तो रहना ही था। मुझे ये सब क्या कह रहा था छोटा, इस तरह क्यों, बाहर रहते हैं आप ना, आप कहीं जानते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है।
मैं पागल नहीं हूँ जो सदा में लड़ता रहता हूँ। मुकदमा चल रहा है जयंत चाचा और मेरा ताऊ के साथ, और दोनों बुआ के साथ दे रही हैं। सब कुछ है ताऊ के पास, 10 दुकानें हैं, बाजार है, 4 कोठियां, ट्रांसपोर्ट कंपनी, शोरूम, औलाद एक ही है। पर कितना चाहिए इंसान को जीने के लिए तो सच है, लेकिन उनके पास जो है उनका अपना है, इसमें कोई जलन नहीं होनी चाहिए। हमारा जो है उसे तो हमारे पास रहने दो, कोई सरकारी कागज ताऊ के पास, उसी के बल पर उन्होंने हमें और जैन चाचा को मुकदमा ठोक रखा है। हम दोनों का घर हमारा नहीं है, उनका है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह ताऊ की दरबार है, हर वकील उनके दोस्त हैं, हर जज उनके कलेक्टर हैं, उनका यार है। मैं कहाँ जाऊँ, रोने बच्चा रोता हुआ बाप के पास आता है, मेरा तो गला मेरा बाप ही काट रहा है। ताऊ की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि आसमान से नीचे गिरा, मैंने मानो समूल अस्तित्व पारा पारा हो गया है। छोटे छोटे इन दोनों में इधर उधर बिखर गया है, साल हाथ से छूट गया है, समय लग रहा है मुझे अपने कानों पर विश्वास करने में। कभी ऐसा कर पाऊंगा, छोटे बच्चों के साथ करोड़ों का मान सम्मान अगर मुझे मेरे बच्चों दे रहे होंगे तो क्या लाखों के लिए मैं उन्हें बच्चों का मुंह निवाला छीन पाऊंगा कभी। कितना चाहिए किसी को जीने के लिए, मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। आपके पिता हमारे पिता को भी तो पिता ही तो, किसी ना किसी पिता को अपनी जिम्मेदारी औलाद कुछ ना कुछ दिया है, किसी को कितना सब दे दिया, उसका पता कैसे चले। तो जाओ पता करो, तहसील में जाओ, कागज निकलवाओ, तहसीलदार हमें क्या पता करे। ताऊ जी वहाँ तो चपरासी से लेकर ऊपर तक इंसान आप खरीदा हुआ है, आज तक हम सारी समस्या में आपको पास आते रहे, अब हम अपनी समस्या बन गए हैं तो कहाँ जाएंगे। आप बड़े हैं, मेरी भी उम्र से 60 साल की होनी ही आई है, इतने सालों में तो हर घर हमारा ही है। आज एकाएक आप वो कैसे हो गया, और माफ कीजिएगा ताऊ जी मैं आपके सामने जवान खोल रहा हूँ, क्या हमारे पिताजी इतने नालायक थे कि दादाजी उन्हें भी देकर सब कुछ अपने आप को दे दिया और जैन चाचा को भी कुछ नहीं दिया। मेरे सामने जवान खोलना तुम्हें आ ही गया, अपने भाई की तरह मैं गूंगा, ये सब आप किसने दिया है। ताऊ जी इज्जत और सम्मान करना जानता हूँ तो क्या बात, करना नहीं आता होगा मुझे। ताऊ जी आप एक बहुत ही बच्चा है, आप कोई भी अमृत का घूंट पीकर नहीं आया है, यहाँ की अदालतों में आपकी चलती है जानता हूँ, मगर प्रकृति की अपनी एक अदालत है जहाँ हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, इतना विश्वास है मुझे। आप क्यों अपने बच्चों के लिए बहुओं के लिए लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं, हमारे सिर से यदि आप छत छीन लेंगे तो हमारा मन आपका भला चाहेगा। दिमाग मत चाटो मेरा, जाओ तुम यहाँ से बन पाए कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि तभी तो हम समझाने आए हैं। ताऊ जी मेरा लाया साल उठाकर दहलीज पर फेंक दिया और हर वक्त उठकर अंदर चले गए, मानो मेरी बात अब भी सुनना पसंद नहीं है। अब वे अबाक रह गए, पत्नी आरती कभी कुछ देखती कभी जाते, ताऊ जी के पीठ पे अपमान घोट भी कर गए, हम दोनों को 85 साल के वृद्ध की आंखों में पैसे का और सत्ता के लिए इतनी भूख फिल्मों में तो देखी थी, अपने ही घर में स्वार्थ का नंगा नाच पहली बार देख रहा था। सोचने लगा मुझे वापस घर आना ही चाहिए, सावन के अंधे की तरह मैं खुश फहमी में तो रहती, मेरे शहर में मेरे सपनों में आपस में बड़ा प्यार है। उस रात बहुत रोया, बहुत छोटे और जैन चाचा की लड़ाई भी भावनात्मक रूप से उनका साथ दूं मगर उनकी मदद कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने भारत देश का एक आम नागरिक हूँ जिसे 2 वक्त की रोटी का कमाना ही आसान नहीं है, गुंडागर्दी और बदमाशी से मैं सामना कैसे करें। बस इतना ही कह सकता हूँ कि ताऊ जैसे इंसान सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमें जैसे सहने की ताकत, क्योंकि एक आदमी सहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय, टेक केयर।